नमस्कार, मैं हूं अनामिका सिंह और आप देख रहे हैं इंडी न्यूज। बिहार में मानव श्रृंखला को लेकर एक तरफ सीएम नीतीश कुमार तैयारियों में जुटे हैं, तो वहीं बिहार का सबसे बड़ा सियासी घराना राजद परिवार इन दिनों नीतीश पर हमलावर है। जहां लालू यादव लगातार नीतीश पर हमला कर रहे हैं, तो वहीं पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी और नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव भी उन पर हमलावर है। बता दें कि एक बार फिर राबड़ी देवी ने सीएम नीतीश पर तीखा हमला करते हुए मानव श्रृंखला को नौटंकी करार दिया। राबड़ी देवी ने लिखा है कि सीएम नीतीश जी ने शराबबंदी पर श्रृंखला की थी, हमने समर्थन भी किया था, लेकिन क्या उससे शराब बंद हुई? नहीं ना। बाल विवाह और दहेज पर भी करोड़ों खर्च कर मानव श्रृंखला बनाई, क्या हुआ? अब सीएम ने इनका जिक्र करना भी छोड़ दिया है। अब एक और श्रृंखला की नौटंकी, क्यों गरीब का हक खा रहे हैं? इससे पहले तेजस्वी ने नीतीश पर हमला करते हुए कहा था कि सामाजिक राजनीतिक भ्रष्टाचार के भीष्म पितामह के दागदार चेहरे पर हाई रेजोल्यूशन फिल्टर लगाकर फेस चमकाने वास्ते 15 हेलीकॉप्टर में मुंबई से फोटोग्राफ बुलाए जा रहे हैं। सिपाही परीक्षा रद्द की गई, शिक्षकों को वेतन नहीं, लेकिन मानव श्रृंखला की नौटंकी पर पानी की तरह बहाया जा रहा है। इतना ही नहीं, उन्होंने लिखा कि याद कीजिए, बिहार में आई बाढ़ और भ्रष्टाचार जनित पटना के जल जमाव को लोग त्राहिमाम कर रहे थे। राहत के लिए एक हेलीकॉप्टर तक नीतीश सरकार के पास नहीं था, लेकिन करोड़ों रुपए वाली सरकारी फेयर एंड लवली से चेहरा चमकाने वास्ते 15 हेलीकॉप्टर और मुंबई से फोटोग्राफ बुलाए जा रहे हैं।